क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान फोटो खिंचाने में रहता है। फोटो फ्रेम बढ़िया बनना चाहिए। जनता की बुनियादी बेसिक सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा गया, पानी की व्यवस्था नहीं की गई, उनके लिए छाया का प्रबंध नहीं किया गया, क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान फोटो खिंचाने में रहता है। फोटो फ्रेम बढ़िया बनना चाहिए। आप लोग देखें हैं ना, माननीय प्रधानमंत्री जी एक बड़ा सा कैमरा लेते हैं अपने हाथ में और 5 बड़ा सा कैमरा रहता है उनके पीछे, जो उनका और उनके कैमरे का फोटो खींचता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NX9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक तरफ अमित शाह अपनी तरफ से बड़े बयानों के जरिए कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने इसका जवाबी कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया है। कन्हैया कुमार जो उनके एक युवा नेता के तौर पर है, उन्होंने भी अपनी तरफ से बयान दिया है और इस बयान के जरिए यहाँ पर वो सीधे तौर पर अमित शाह को घेरते हुए नजर आए। 11 लोगों की मौत को लेकर के सवाल पूछा और ये भी कहा कि अमित शाह जी आप तब क्या कर रहे थे। देखिए खास रिपोर्ट कि महाराष्ट्र में सरकार की मौजूदगी में सरकारी कार्यक्रम में सरकारी लापरवाही से 11 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और ये मांग करते हैं कि सरकार बिना किसी लापरवाही के, बिना किसी बहानेबाजी के, बिना किसी आनाकानी के इसकी जिम्मेवारी ले और कुछ सवालों का जवाब दे कि जब एक सरकारी कार्यक्रम किया जा रहा था, सरकार के तमाम बड़े अधिकारी और मंत्री वहां मौजूद थे, तो इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। प्रश्न ये उठता है कि आप किसी कंपनी को कार्यक्रम की तैयारी के लिए 13 करोड़ का ठेका देते हैं, तो जब नेता के लिए टेंट लग सकता है, नेता के लिए कूलर और एसी लग सकता है, तो जनता के लिए क्यों नहीं लग सकता है? क्या आपको इस बात का पूर्वानुमान नहीं था? कहते हैं कि डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया में हर कोई अपने मोबाइल पे वेदर चेक कर लेता है। क्या मंत्री जी का मोबाइल काम नहीं कर रहा था? उनको आइडिया नहीं था कि देश में गर्मी पड़ती है अप्रैल में, मई में, जून में, और जब गर्मी पड़ती है तो लू चलती है, गर्म हवा चलने से जो है लोगों की तबीयत खराब होती है। जितना क्षमता है उससे ज़्यादा लोग अगर एक जगह इकट्ठा होंगे तो स्वाभाविक रूप से परेशानी आएगी। जनता की बुनियादी बेसिक सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा गया, पानी की व्यवस्था नहीं की गई, उनके लिए छाया का प्रबंध नहीं किया गया, क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान फोटो खिंचाने में रहता है। फोटो फ्रेम बढ़िया बनना चाहिए। आप लोग देखें हैं ना, माननीय प्रधानमंत्री जी एक बड़ा सा कैमरा लेते हैं अपने हाथ में और 5 बड़ा सा कैमरा रहता है उनके पीछे, जो उनका और उनके कैमरे का फोटो खींचता है। देश में लोकतंत्र है कि नहीं है? अगर देश में लोकतंत्र है तो एक चुनी हुई सरकार अगर एक सरकारी कार्यक्रम कर रही है और वहां लोगों को यदि बुलाया गया है, उनके साथ अगर कोई हादसा होता है, तो इसकी जिम्मेवारी सरकार को लेना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, महाराष्ट्र की यूनिट ने यह सवाल उठाया है कि यह गैर इरादतन हत्या का मामला है, सरकार इसकी जिम्मेवारी ले और उसकी जिम्मेवारी तय करने के लिए देश का सबसे महत्वपूर्ण विपक्ष होने के नाते हम सरकार से ये सवाल उठा रहे हैं कि आप घटना के बाद बहानेबाजी ना करें, इधर उधर की बात ना करें, जिम्मेवारी तय करें, जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें और सबसे ज़्यादा दोषी तो सरकार खुद है, तो यह दोष को अपने मत्थे ले और इस तरह की कोई भी घटना आने वाले दिनों में ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाए, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हमारी मांग है। कन्हैया कुमार का आपने बयान सुना, उन्होंने अपने बयान के जरिए जो है कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार आने वाले समय में चुनावी सरगर्मी और चुनावी मूड जो है वो किस ओर अपना रुख करेगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NX9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।